बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ान रहमत चैनल में खुश आमदीद। दीन इस्लाम आज दुनिया का सबसे तेज़ी से फैलने वाला मज़हब बन चुका है, और जहां आए दिन दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक तेज़ी से इस्लाम की रोशनी से फैज़याब हो रहे हैं, वहीं दुनिया में बहुत सारे ममालिक ऐसे भी हैं कि जो इस्लाम से एक ईसाई मुल्क बन चुके हैं। इन ममालिक में पहले पहल इस्लाम की हुकूमत और इनका रोबो दबदबा शान और शौकत थी, मगर अब यहाँ की मस्जिदों को चर्चेज और म्यूजियम के अंदर तब्दील किया जा चुका है, और मुसलमान यहाँ पर आपको ढूंढने से भी ना मिलेंगे जो कि इस्लाम छोड़कर ईसाई बन चुके हैं या फिर उनको मुल्क बदर कर किया जा चुका है। आज की वीडियो में हम इस्लाम छोड़कर ईसाई मजहब को में तब्दील करने वाले उन ममालिक का कुछ तस्करा करेंगे। आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो नंबर आता है वो है स्पेन। इस्लाम छोड़कर ईसाई बनने वाले ममालिक में स्पेन सबसे सरे फहरिस्त लिस्ट पर आता है। स्पेन मुल्क का नाम आता है। ये वो सरजमीन है कि जहाँ पर मुसलमानों ने 700 सालों तक राज किया, मगर वो वक्त और था जब यहाँ पर कोई इस्लाम का नाम लेने वाला भी अब मौजूद नहीं है। आज भी इस्लाम के अंदर लातादात मसाजिद ऐसी हैं जिन्हें चर्चेज या फिर म्यूजियम्स में तब्दील किया जा चुका है। स्पेन को साल 711 ईस्वी में तारिक बिन ज़ियाद ने फतह किया था। स्पेन की फतह मुसलमानों के लिए यूरोप में घुसने का दरवाज़ा थी, लेकिन जब मुसलमानों ने इस्लाम का दामन छोड़ा तो यही सरजमीन इनके लिए तंग कर दी गई, और साल 1492 में यहाँ पर मुसलमान हुकूमत का खात्मा हो गया। इसके बाद 1502 ईस्वी में ईसाई हुकूमत ने ऐलान किया कि मुसलमान या तो यहाँ से निकल जाए या फिर ईसाई मज़हब इख्तियार कर लें। यूँ मुस्लिम आबादी बड़ी तादाद में स्पेन से बाहर निकाल दी गई। अब नंबर दो पर आता है सिसली। सिसली मुसलमानों ने माजी में 400 साल तक हुकूमत, लेकिन इसके बाद 12वीं सदी में यहाँ से मुसलमानों को निकालकर इस मुल्क को ईसाई रियासत बना दिया गया। सिसली में से आखिरी मुसलमान को जब निकाला गया तो वह साल 1226 ईस्वी था, जिसके बाद इस मुल्क में मुस्लिम हुकूमत का खात्मा हो गया। सिसली जो आज इटली का हिस्सा है, इसके हर हिस्से में भी आज भी मुसलमानों की निशानियाँ देखी जा सकती हैं। कहते हैं कि मुसलमानों ने सिर्फ कुछ सालों में सिसली को इतना ताकतवर और मुस्तहकम बना दिया था कि आज भी यूरोपीय ममालिक इसकी मिसालें देते हैं, मगर मुसलमानों की आपस की लड़ाई झगड़ों और दीन से दूरी ने दूसरों को मौका दिया, और यहाँ पर ईसाई और गैर मुस्लिम लोगों ने आकर कब्जा कर लिया। अब नंबर तीन है पुर्तगाल। पुर्तगाल यूरोप में वाकई एक मशहूर ईसाई मुल्क है। तहम आज से 500 साल कबल इस्लाम इस मुल्क का सबसे बड़ा मज़हब हुआ करता था। यहाँ पर मस्जिदों की मीनार और इस्लामी तारीखें आज आपको कदम कदम जा बजा बिखरी हुई नज़र आएंगी। इस्लाम पुर्तगाल में उस वक्त आ गए थे कि जब उन्होंने स्पेन को फतह किया था, लेकिन जब स्पेन से जब मुसलमानों को निकाला जाने लगा तो इसका असर पुर्तगाल में भी देखने को मिला, और मुसलमान हुकूमतों के खात्मे के बाद यहाँ की एक बड़ी तादाद भी पुर्तगाल से हिजरत करने पर मजबूर कर दी गई। पुर्तगाल में जो मुसलमान बचे या तो उनको कत्ल कर दिया गया या फिर उनको ईसाई बनने पर मजबूर किया गया। पुर्तगाल में आज मुसलमानों की आबादी सिर्फ 4% है, लेकिन अब इस्लाम आहिस्ता आहिस्ता दोबारा इस मुल्क में अपने कदम जमा रहा है। नंबर चार सर्बिया। सर्बिया साल 1459 से लेकर 1804 ईस्वी तक खिलाफत उस्मानिया के ज़ेर असर रहा, जिससे इसके अंदर मस्जिदों का एक पूरा लश्कर था। आज वहाँ पर सिर्फ एक ही मस्जिद बची है, वो भी मस्जिद नहीं बल्कि एक म्यूजियम की सूरत में उसको बना दिया गया है। यहाँ से भी मुसलमानों को साजिशों के तहत निकाल दिया गया था, और जो मुसलमान यहाँ पर बचे या तो उनको कत्ल कर दिया गया या अपना मजहब छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। तहम साल 2023 के मरदमशुमारी के मुताबिक सर्बिया में मुसलमानों की आबादी 3 लाख से ज़्यादा है, जो अब यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की तरफ दोबारा रवा दवा है। नंबर पाँच ग्रीस। ग्रीस यानी यूनान। यूनान 9वीं सदी के वस्त तक खिलाफत उस्मानिया का एक हिस्सा था। यहाँ पर मुसलमानों की एक बड़ी तादाद शान और शौकत के साथ रोबो दबदबे के साथ रहा करती थी, लेकिन आज यहाँ पर सिर्फ 2% मुसलमान ही बचे हैं, और मुस्लिम हुकूमत ख़त्म होने के 200 साल बाद तक कोई मस्जिद बनाई ही नहीं गई। ताहम 2020 में मुस्लिम ममालिक की दखल अंदाज करने पर यहाँ पर एक बड़ी मुश्किल से एक मस्जिद बनाने का फैसला किया गया। स्पेन की तबाही के बाद मुसलमान वहाँ से जिन जिन मुल्कों की तरफ भाग कर आए थे वो यूनान ही था, लेकिन बाद में यहाँ से भी मुसलमानों को निकाल बाहर कर दिया गया। नंबर छः माल्टा।
माल्टा यूरोप का एक ऐसा आज़ाद मुल्क है और हमारी लिस्ट में वो छठे नंबर पर आता है। माल्टा में इस वक्त लगभग 5 लाख की आबादी मौजूद है, जिसमें 17,000 के करीब मुसलमान भी रहते हैं। माल्टा के अंदर दीन इस्लाम मौर्ज़े वजूद में आया था कि जब साल 1817 ईस्वी में सौदा बिन मोहम्मद ने अपने इलाके को बाज़ंतीनियों से छीना और इसके बाद ये रियासत कई सालों तक मुसलमानों के पास रही और यहाँ मुसलमानों का असर रसूख रहा। यहाँ की ज़्यादातर आबादी मुसलमान हो चुकी थी और माल्टा हुकूमत ईसाई हुकूमत के कब्ज़े में चला गया और 1224 के बाद यहाँ तो मुसलमानों का नामो निशान तक ही मिट गया था। अब यहाँ पर मुकम्मल तौर पर ईसाई मुल्क के तौर पर ये मुल्क जाना जाता है। नंबर सात पर आता है मोंटेग्रो। ये साल 1497 से लेकर 1878 तक उस्मानी हुकूमत के राज में रही। इन सालों में मुसलमानों की हुकूमत और इनका रूब दबदबा यहाँ पर अपनी मिसाल आप हुआ करता था, लेकिन इस मुल्क के साथ भी वही कुछ हुआ जो लगभग दूसरे मुस्लिम रियासतों के साथ हुआ, यानी यहाँ पर भी मुस्लिम हुकूमत को ख़त्म करके ईसाई हुकूमत में तब्दील कर दिया गया। इसके बाद मुसलमान इस मुल्क से बिल्कुल ख़त्म होकर रह गए और इस मुल्क में भी मुस्लिम हुकूमत के दौरान बेशुमार मस्जिद बनाई गई थी, मगर आज यहाँ पर आपको मस्जिद के नाम पर ढूंढने को भी कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद आज यहाँ पर इस्लाम दूसरा बड़ा मज़हब माना जाता है जो इस वक्त बहुत ही तेज़ी से तरक्की की तरफ रवा दवा है। नंबर 8 रोमानिया। रोमानिया में साल 2023 के मुताबिक 21 मिलियन के करीब आबादी है और यहाँ की आबादी यूरोप की छठी सबसे बड़ी आबादी है। रोमानिया यूरोप का सबसे बड़ा मुल्क है। रोमानिया में मुसलमान कदीम दौर में सूफी लोगों के ज़रिए पहुँचे और 16वीं सदी से 19वीं सदी तक यहाँ पर मुसलमानों की हुकूमत कायम। साल 1878 में रोमानिया एक ख़ुद मुख्तार रियासत के अंदर तब्दील कर दी गई। मुसलमान यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता निकल गए और आज यहाँ पर सिर्फ 0.4% हिस्सा मुसलमानों का बचा है, जिनको यहाँ पर अपनी कोई मजहबी आज़ादी और कोई हैसियत हासिल नहीं है। नंबर 9 आर्मीनिया। आर्मीनिया साल 1828 में रूस के कब्ज़े में चला गया था और इसी दौरान यहाँ पर 3,62,000 के करीब मुसलमान थे। ताहम 1917 से 1919 के दरमियान आर्मीनिया के अंदर एक बड़े पैमाने पर मुसलमानों का कत्ल किया गया और इसके बाद इनकी मस्जिद को भी तबाह बर्बाद कर दिया गया। जो मुसलमान यहाँ पर पहुँचे वो मुस्लिम मुख्तलिफ ममालिक की तरफ भाग गए। यूँ आर्मीनिया भी आखिरकार मुसलमानों से खाली हो गया और आज आर्मीनिया के अंदर सिर्फ 0.2% लोग मुसलमान हैं, जिन्हें अपनी कोई शख्सी पहचान और आज़ादी हासिल नहीं। इनको यहाँ पर इबादत करने की भी कोई आज़ादी हासिल नहीं है। इन ममालिक के अलावा सोलोमन आयरलैंड स्लोवाकिया जैसे कई ममालिक ऐसे मौजूद हैं जहाँ पर कभी मुसलमानों का राज रुबो दबदबा शान और शौकत हुआ करती थी, मगर आज वो अकेले अपनी ज़िंदगी गुजारने में बिना किसी शख्सी आज़ादी और शख्सी शनाख्त गुजारने पर मजबूर हैं। मुसलमान आज भी इन ममालिक के अंदर अपने मजहबी पहचान और आज़ादी हासिल करने के लिए अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं, मगर ताहाल इन ममालिक की हुकूमतें यहाँ पर मुसलमानों के वजूद को एक सेकेंड भी बर्दाश्त करने का कोई इरादा नहीं रखती, ना ही इनको किसी किस्म की आज़ादी देने का इरादा रखती हैं। ये थी उन ममालिक की सूरत हाल जहाँ पर सिर्फ मुसलमानों के आपस में गदर की वजह से मुसलमान शान और शौकत का एक दौर हुकूमत जो था उसका तख्ता उल्टा गया और आज ईसाई हुकूमत हर जगह अपना कदम जमा कर बैठ चुकी है। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर की मुतमन्नी हूँ। जज़ाकल्लाह।